रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, लाखों का सामान हुआ बर्बाद। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई जैसे शहर में गुंडा राज, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए जिसको देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ये घटना है 20 मार्च 2024 का, जोगेश्वरी वेस्ट ओशिवारा पुलिस के हद में आता है, जहां रवि बॉडी चार्ज लैब पर रात के तकरीबन 9:30 बजे सब कर्मचारी अपने काम को खत्म कर अपने घर जाने की तैयारी में रहते हैं। अचानक से हमला और जोर की आवाज से सभी लोग सहम जाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही देखते हैं कि बाहर से जोर जोर की आवाज आ रही है, जहां 40 से 50 लोगों की संख्या में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि भीड़ में आए लोगों ने अचानक से लैब पर हमला कर दिया है। दरवाजा को तोड़ना शुरू कर देते हैं और अंदर से दरे सहमे रविशंकर जैसे तैसे अपने सभी कर्मचारियों को कॉल करते हैं और सभी को बुलाते हैं। सब लोग तकरीबन 30 से 40 मिनट में पहुंचते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और महिलाओं के साथ भी अपशब्द और धक्का मुक्की करते, जिसमें एक महिला सीमा अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जिसके कारण उनका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। आज तक वह महिला बिना किसी के सहारे चल नहीं सकती है। ऑफिस में बैठे डॉक्टर ऋषिकेश सर्जन एंड फिजिशियन के ऊपर भी हमला किया गया। बाहर लगे सभी बैनर पोस्टर बोर्ड को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यालय और लैब के अंदर भी तोड़फोड़ की, जिसके कारण सारे सामान टूट गए। रवि में 100 डायल कर पुलिस में कंप्लेंट की। कुछ देर बाद पुसल आती है और मामले को शांत करती है और सेंटर को सील कर देती है। रविशंकर सूर्यवंशी पेशे से फिजियोथेरेपी का काम करते हैं और उनके सभी कर्मचारी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और मामला दर्ज करते हैं। और रात 1 बजे ओशिवारा पुलिस स्टेशन के नवनाथ शिंदे उप निरीक्षक और गणेश गाय के इंचार्ज रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब को पूरी तरह से सील कर देती है। पिछले 5 महीने से ये सेंटर पूरी तरह से बंद है और सारे सामान सेंटर के अंदर है। सेंटर के मालिक रविशंकर पिछले 5 महीना से सरकारी दफ्तरों के बस चक्कर काट रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर सीनियर तक को लेटर पर लेटर दे रहे हैं। जहां हम बात करें कार्रवाई की, तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। जिसके बाद थक हार कर रवि ने मीडिया से संपर्क किया और महाराष्ट्र की सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब आदमी को पिछले 5 महीनों से परेशान किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर आखिर महाराष्ट्र की सरकार कब संज्ञान लेती है और अज्ञात हमलावर और दोषी पुलिस कर्मियों पर कब कार्रवाई करती है, अब ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार दिल से, कि आप लोग, आप हो तो हम लोग हैं। 20 मार्च 2024 और रात को 9:30 बजे 40 से 50 लोग आते हैं मेरा ऑफिस, इंक्लूडिंग 15 लेडीज, मेरा ऑफिस और मेरा क्लिनिक तोड़फोड़ करते हैं। मैं अंदर रहता हूँ। क्लिनिक कहाँ पे है? ये क्लिनिक मेरा आदर्श नगर में है, लोटस पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पे है। और मैं फिर पुलिस को कॉल करता हूँ और मेरे भाई साहब ऑफिस में बैठे थे, उनको बोला आप भी पुलिस के पास जाओ। और फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस लेट आती है। इससे पहले मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, सब परिवार जैसे हैं, तो ये इनको भी कॉल करता हूँ कि आ जाओ, मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये लोग आधा घंटा लगता है इनको आने के लिए, जब तक तोड़ फोड़ चालू थी। फिर मैं अंदर लॉक कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं कितने लोगों को संभालूँ। उसके बाद ये लोग आ गए थे, दरवाज़ा ऑलमोस्ट टूट चुका था, टूट ही गया था, मैं पीछे खड़ा था, पुश कर रहे थे करीब 7-8 लोग 10 लोग, मुझे तो पता ही नहीं। इन्होंने मुझे बताया कि यार बहुत लोग थे और वीडियो भी है हमारे पास, जैसा मैं आपको बाद में दूंगा। तो इन ये लोग जब आते हैं तो इनके साथ भी हाथापाई होती, रुकते नहीं हैं वो लोग, तोड़फोड़ चालू रहती, रुकते नहीं हैं। और उसके बाद पुलिस आती है तब जाके थोड़ा माहौल ठंडा होता है। और इनको, इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी थोड़ा इनको चलने में इशू है। वो टाइम पे ये भी वहाँ मेरा एक्चुअली, मुझे ऑन द टाइम मुझे पता नहीं चला कि मेरे लेग में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला चेक करवाने से कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो चुका है। मतलब इतनी धक्का मुक्की, आप बताइए, वहाँ पे 15 लेडीज एंटर कर गई हैं, ट्रेस पासर है ना, वन पर्सन हु इज स्टेइंग देयर, वो जो वहाँ पे रहता है उसको आप धक्का मुक्का मार के 25-30 आदमियों को, 15-20 लेडीज़ को लेके आप तोड़फाड़ कर रहे हो, सब कुछ बदतमीजी कर रहे हो। वहाँ पे अगर वो कोई उसके दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो मैं वहाँ आती हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की होती है, उसके स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की होती है, ऋतु है इसके साथ भी धक्का मुक्की होती है, सबके साथ धक्का मुक्की होती है। दिस इज़ नॉट द वे। अगर समझ लो, मान लीजिए ये जगह आपसे बिलोंग करती है, ये तो है ना, आपको तो कोर्ट ने वहाँ पे आने की इजाज़त दी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू कम देयर, है ना। हमने जिससे ये जगह खरीदी है, मतलब हमने जिससे ये जगह ली है, वो आदमी उस जगह पे लीगल ही रह सकता है, हम उसकी वजह से रह रहे हैं, हमने उसको पेमेंट किया हुआ है। ये काम, मतलब अगर हम इलीगल हैं वहाँ पे, ये काम पुलिस का देखना नहीं है, पुलिस, ये काम कोर्ट का है। पुलिस को ये देखना है कि अब यहाँ पे कौन रह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
मतलब मैं वहाँ पे, ये वहाँ पे अवेलेबल है, तो पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ रह रहा है, और कोई भी 50 जन आके किसी को तोड़फोड़ करके किसी के अंदर घर में घुस नहीं सकते। पुलिस का काम है दंगे को रोकना, पुलिस का काम दंगे को बढ़ाना नहीं है। वहाँ पे पुलिस उल्टा ही कर रही है, पुलिस उनके साथ आ रही है, पुलिस हमें बाहर निकाल रही है घर से। नहीं, 50 लोग आते हैं, हमें घर से बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इनको घर से बाहर निकालते हैं, इनके दोस्तों के साथ धक्का मुक्की होती है, मारा मारी होती है, इनको घर से बाहर निकाल के पुलिस ताला लगाती है। ये पुलिस का काम है, ये इस देश का कानून है। मतलब दिस इज नॉट द वे। आप जैसे ये कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रही करवा रही है सीधा सीधा पुलिस। अगर आपको ये लगता है कि हम वहाँ पे इल्लीगल हैं, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, ठीक है। आप हमें तो लेटर ऑन ये मालूम पड़ा है कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते, हमें पहले ये बात मालूम ही नहीं थी। हमें ये बात मालूम पड़ी कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते, उस जगह पे आ नहीं सकते, आपको कोर्ट ने बैन किया हुआ है। ऐसे लोग वहाँ पे आके दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेडीज़ को लेके आते हैं हायर करके, 200-400 रुपये, 200-400 रुपये पे लेडीज़ हायर करते हैं, वहाँ पंगा करते हैं, इतने लोग बदतमीजी करते हैं। ये इस देश का कानून नहीं कहता है, इस देश का कानून कहता है अगर आपको कोई ट्रबल है। आपकी कोई बात ऑनर से हुई, ऑनर के अगर उनका मामला ऑनर के साथ था, तो आप लोगों के भी तरह से उन्होंने मार। देखिए, जो आदमी वहाँ रह रहा था, फॉर एग्जाम्पल हम कोई जगह लेते हैं रेंट पे, जगह लेते हैं या हैवी डिपॉजिट पे जगह लेते हैं, हम जो जो वहाँ पे रह रहा होता है हम उससे बात करते हैं, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस, हम तो आज तो रहने चले गए नहीं, 3 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। हमारा वहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, हमारा वहाँ पे आधार कार्ड है, हमारा वहाँ पे सब है, हमारा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ऑफिस भी है, सब कुछ है, 3 साल से हम वहाँ पे हैं। तो 3 साल पहले तो कोई आया नहीं, अभी अचानक से कोई भी आके दंगा फसाद करेगा, कैसे चलेगा मैम, आप बताइए मुझे। और रात को, वो भी रात को आ रहे हो आप, और पुलिस 1 बजे रात को ताला लगाती है आपको, हमें घर से बाहर निकालती है। ये रात को 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे के अंदर, मतलब 1 बजे 2 बजे रात तक चला। मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कुछ मुस्लिम लोग, ये जो है दंगा भड़काने को, वहाँ पे इलेक्शन भी था, अभी क्या किसका क्या मेंटालिटी रही हो तो ऊपर वाला ही जाने। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं। एक्चुअली ऑनर इज नॉट टू सपोज कम देयर, वहाँ कानून के हिसाब से वो वहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पर बैन है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। ये बात हमको बाद में पता चली, हमें तो पहले पता ही नहीं। कोर्ट में मैटर है ऑलरेडी। देखिए, जहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मुझे कहती है कोर्ट के सीमा, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, यहाँ पे जो आदमी रह रहा है तुम उसको आराम से रहने दो। जब कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है, तो हु आर यू टू डिसाइड कि आप सीधा जाके 50 लोगों को जाके वहाँ मारा मारी करो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। सेकंड थिंग क्या होता है कि हम पुलिस को प्रेशर देते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ, और आप अगर हम नहीं करेंगे तो हम आपके सीनियर के पास जाएंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे। उसके बाद जब ये बात बोली जाती है, 3 दिन बाद हमारी FIR, पहले FIR ही नहीं लेते, FIR ही नहीं लेते, हमारी FIR होती है। और इसमें हाउस टेस्ट पास का है, जो इन्होंने 452 सेशन, इन्होंने 7 सेशन लगाए, 9 सेशन लगाए इन्होंने सेक्शन, ओके। और इसमें सीधा है कि कम से कम 7 साल की सजा है, नॉनएबल है, नॉन अवेलेबल वारंट निकलेगा इनके लिए। मिनिमम दैट इज़ द मिनिमम पनिशमेंट फॉर ट्रेस पासर, दे आर द ट्रेस पासर। हम तो वहाँ रह रहे हैं, अगर कोई लोग वहाँ आते हैं वो ट्रेस पासर हैं उस जगह पे, तो उसके लिए मिनिमम 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है कानून के अंदर। 452 सेक्शन लगाया है, 342 सेक्शन लगाया, 447 सेक्शन लगाए, 323 सेक्शन, पुलिस सेक्शन लगा देती है पुलिस, लेकिन पुलिस इसका कानून फॉलो नहीं करती है। पुलिस क्या है, गुंडा है, गुंडा राज हो रहा है, आप बताइए गुंडा राज है ये। और अभी करीब मिनिमम 6-7 महीने, 6 महीने होने को है, अभी तक कोई चार्जशीट भी उन्होंने नहीं दिया। हाँ, सबमिट तो होती ना, चार्जशीट भी नहीं मिली। तो हमने क्या किया है, पुलिस अथॉरिटी कंप्लेंट, हमने वहाँ पे ACP और जो आयो है उनके खिलाफ सब हमने कंप्लेंट किया है। हमने सब जगह लेटर डाला है, ACP को लेटर डाला है, DCP को लेटर डाला है, कमिश्नर को लेटर डाला है, एडिशनल CP को लेटर डाला है। हाँ, ये सब में, हाँ ये देखो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महासंचालक, सब मानवीय हक, मानवीय आयोग, अपर पुलिस मीन्स का पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस, एडिशनल पुलिस, DCP, ACP और ये ओशिवारा पुलिस स्टेशन, एवरीवेयर हमने लेटर डाला है उसके लिए, कंप्लेंट के लिए कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है।
हमारा मुद्दा देखिए मेन क्या है, आज हमारे साथ हुआ है, ठीक है, हम सक्षम है, आप लोग से मिले जुड़े, हमने आपको बुलाया, आपने सारी चीज़ें की, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, कल को गरीब से गरीब लोग, मजबूर लोग, नहीं अगर इस आदमी के पास पैसे नहीं हो, इसका तो घर छीन लिया पुलिस, मतलब ऐसे क्या किसी को घर में से निकाल के उसका घर छीन के बिठा देगी, दिस इज नॉट द वे, ये इस देश का कानून कहता ही नहीं है। और जिनके साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई है वो सब यहीं खड़ी हैं, तो आप प्लीज उनसे पूछ सकते हैं। आप बताइए मार्च से अभी तक मेरी टांग रिपेयर नहीं हुई है ना, फ्रैक्चर हुआ है, टांग रिपेयर नहीं हुई है, अभी मैं लाठी लेके चल के, आपको देखा है ना आपने, मैं कैसे चढ़ के आई हूँ, मतलब आप ये बताइए ये सब कौन पे करेगा, कौन जिम्मेदार है इसका, पुलिस जिम्मेदार है, मेरी टांग ठीक नहीं हो सकती, कितना भी पेमेंट कर दें वो, है ना, ठीक है, आप लोग ने एक एक करके बताइए वहाँ उस दिन क्या हुआ था, आपका नाम क्या है और क्या है, एंड उस दिन क्या हुआ था कि अराउंड 9:30 हो रहा था, तभी मुझे अचानक इनका फोन आया एंड ही वाज लाइक आप जल्दी आओ करके, तो तभी कुछ बताया नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ बताया नहीं, खाली बोला कि जल्दी आओ, तो मैं शिल्पा और श्री हम तीनों जन हम लोग गाड़ी में हम लोग वहाँ पहुँचे, हम जैसे ही पहुँचे तो उनका फिर से फ़ोन आया कि जल्दी आओ करके, वो एकदम से चीख रहे थे, तो हम लोग जहाँ थे लोटस पेट्रोल पम्प के उधर हम गाड़ी पार्क करके हम फटाफट उनके वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचे, तो जब पहुंचे हमने क्या देखा इज अराउंड 4 men दे वर पुशिंग द डोर, मतलब वो पुश कर रहे थे एक साइड से, 4 लोग पुश कर रहे थे और अंदर से खाली वो पुश कर, मतलब कि दे वर ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ऐसे करके वो ये हो रहा था, और जैसे ही हम पहुंचे, हम तीन गर्ल्स पहुंचे, हम बीच में आ गए, तब जाके उन्होंने लाइक रोका, तभी ऑलमोस्ट डोर टूट चुका था, लाइक इट हैड गॉन अहेड एंड वो ऑलमोस्ट उसकी कड़ी भी टूटी हुई है, उसकी फोटोज है हमारे पास जहाँ पे उसकी कड़ी टूट चुकी है, तब तक जब हम पहुंचे तभी वो ऑलरेडी उन्होंने सारे बैनर सब तोड़ फोड़ करके, एक दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा सब तोड़ फोड़ करके वो अंदर आ चुके थे तभी तक, एंड देन हमने थोड़ा सा सॉर्ट करने का कोशिश किया, तभी पुलिस को भी बुला लिया था, ये पुलिस इनको लेके गए वैन में और उनके भी एक दो जन को लेके गए, हम पीछे से गाड़ी में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे कुछ कुछ ये हुआ, फिर रात को पुलिस वापस आए, एंड इनफैक्ट जब हम हमारे ये भी देने जा रहे थे टू द पुलिस, व्हेन वी वर गोइंग टू गिव आवर व्हाट इज दैट स्टेटमेंट्स, सो इट वॉज लाइक यू नो वॉट वी वर सेइंग वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड करेक्टली, हम जो बोल रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था ऐसा नहीं हो रहा था, हम अगर बोल रहे कि देर आर सो मेनी पीपल, अगर बोल रहे हम कि 10, 12, 15 जन या 50 जन आए तो 2-3 जन, लाइक यू नो इट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड द वे वी वर सेइंग, तो ये सब हुआ था उस दिन एंड दिस इज वॉट वी वुड लाइक टू से। आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी ही सगळी घटना घडली होती त्या दिवशी आम्हाला रात्री 9:30 दरम्यान फोन आला होता सरांचा, आणि सरांनी आम्हाला सांगितलं की असं एक 40-50 माणसे आणि बायका त्यांच्यासोबत म्हणजे आले होते आणि यांच्यावरती हमला सुरू होता त्यांचा, आणि आतमध्ये हे आतमध्ये होते आणि बाहेर जे लोक आले होते ते यांच्यावरती तोडफोड करून पूर्ण दरवाजा वगैरे तोडून सगळं आतमध्ये घुसले होते ते, आणि त्यांना मारण्याचा पण प्रयत्न करत होते, आणि मग त्यानंतर थोडेफार मारणं वगैरे त्यांच्यासोबत झालं होतं, आणि आम्ही पोचल्यानंतर त्या लोकांनी मग तरीसुद्धा ते सगळं चालूच ठेवलं होतं, पोलिसांना वगैरे फोन केलेला, पोलीस आले आणि मग त्यावेळेस थोडं ते शांत झाले होते पण ते काही ऐकायला तयार नव्हते, आणि आमच्यासोबत पण त्यांनी धक्काबुक्की केली होती, सीमा जी आहेत त्यांच्याशी त्यांनी म्हणजे एवढं त्यांना जोरात धक्का लागला की ते खाली पडले होते, त्यांच्या पायाला पूर्ण फ्रॅक्चर आला आहे, आम्हाला सुद्धा धक्काबुक्की केली त्यांनी पोलीस, आणि खूप अशब्दपणा म्हणजे त्यांनी युज केला, नाही मतलब वो उनसे ये लड़कियां दोनों ये दो लड़की है ये तो कह रही है कि आप अंदर कैसे आ गए ऐसा दो के दरवाजा, तो वो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे 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 चल के आए, मतलब दिस इज द वे हाउ दे आर ट्रीटिंग अस, हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि हम कैसे अंदर आ गए, हम पैदल चल के आ गए, पैरों से चल के आ गए, मतलब कैसे चिढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे घर के अंदर ये हमसे ऐसे बात की जा रही है। बाहर का क्लिनिक द डॉक्टर वाज यूजिंग, तो वो डॉक्टर भी उनको भी उन्होंने इमीडिएटली लाइक यू नो हां उनको भी भगा दिया, एंड या एंड ये लोग वहाँ काम भी करते हैं, शिल्पा वहाँ पे ही रहती है, लाइक शी वर्क्स देयर आल्सो, तो काफी टाइम से ये लोग वहाँ पे है, और हम तो मतलब हम तभी आए तो इन्होंने इमीडिएटली हमें कॉल किया, और रवि तो वहाँ पे बहुत टाइम से कितने टाइम ऑलमोस्ट 3 साल से वो वहीं पे रह रहे थे,
सो समबडी वांटेड टू कम तो 3 साल तो वो थे नहीं वहाँ पे एंड इवन इफ दे हैड समथिंग तो एक नॉर्मल वे में यू नो लीगल वे में वो अंदर आ सकते हैं ऐसे देयर इज अ प्रोसीजर इंडिया में प्रोसीजर है कानून है अगर आपको लगता है कि आपकी जगह में कोई घुस गया है बैठ गया है तो उसके लिए कानून है ना मतलब पॉप्स के साथ आइए ऐसा कुछ कीजिए अब तो वैसा कुछ नहीं हुआ दैट इज ओनली आई थिंक कि आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए था चैनलाइज्ड वे में आना चाहिए था अगर आपको आना ही था तो सो दिस इज ऑल व्हाट मैटर है ना कोर्ट में है देखिए अभी तक तो मुझे चार्जशीट भी नहीं मिली और मैं कोर्ट में गया था और कोर्ट ने तारीख दी है हमें क्या करना है कि अगर ये नहीं करती है पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती तो हमें आगे तक जाना है ताकि आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो मेरा यही मानना है और लोगों तक यही है कि देखो डरो मत जितना हो सके आप फाइट करो अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है आज नहीं तो कल होगा पर होगा तो और आप लोग का सपोर्ट है मीडिया का सपोर्ट है हमने इसलिए मीडिया को बुलाया कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है ठीक है और देखिए हम मैं कोई चोर चक्का तो हो नहीं कि मेरे पास आओ और रात को मेरे साथ मारपीट करो मैं एक अच्छा काम करता हूँ समाज सेवा काम करता हूँ तो ये है मेरा यही मोटो है कि आप लोग जितना हो सके इसे फैलाएं और हमें सपोर्ट करें और ये जो दंगा करने वाले लोग हैं ना इनको अंदर जाना चाहिए क्योंकि देखो ये दंगा करने वाले कभी रुकेंगे नहीं चाहे हिंदू हो तो मुस्लिम हो तो उनका जो मोटिव रहता है उनको प्रॉपर यही काम है वो एक चैनल बना हुआ है कि वो जगह खाली कराने का जो काम है वो लोग वही करते हैं तो किसी लोकल नेता से कोई पॉलिटिकल व्यक्ति से बात नहीं कोई बात नहीं हूँ सर मेरी पता नहीं यही तो देखना है यही तो जानना है कि आप लोग अगर ये खबर फैलाएंगे तो किसके पीछे किसका हाथ है वो आएगा ना धीरे धीरे चीज़ें सब आएंगी और ये जो हमला किया और जो जिन्होंने करवाया हमें बाद में पता चलता है कि उनका नाम मोहम्मद शादिक था और वो शायद जिनसे मैंने जगह ली थी वो उनके ओनर थे उन्होंने सारी चीज़ें की और इसमें जो इंस्पेक्टर हैं जो तपास कर रहे हैं इंस्पेक्टर उनका नाम है नौना शिंदे नाम है और सीनियर ओसीवरा मोहन पाटिल और इनको हमने सबको समन भेजा है सबको कंप्लेन की है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हो और मुझे प्रशासन पे पूरा यकीन है कि ये चीज़ें होंगी पर थोड़ी लेट हो रही है वो अच्छी बात है पर होंगी और आप लोग तो हो ही तो थैंक यू सो मच आप सभी का धन्यवाद